मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरदविंदर। आज सीखने वाले हम नेटबीन्स में कैसे आप सिंपल GUI जावा एप्लीकेशन बना सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप नेटबीन्स खोल लीजिए अपने सिस्टम पे। मैं लिनक्स पे नेटबीन्स 16 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अपाचे नेटबीन्स ID 16 का लेटेस्ट वर्जन है, और आप कोई भी ओल्ड वर्जन में भी या आने वाले लेटेस्ट वर्जन में काम कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है नेटबीन्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हैं। और मैं अभी इसको लिनक्स पे उबुंटू सॉफ्टवेयर पे लिनक्स के उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको रन कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि जावा एप्लीकेशन GUI एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं आप नेटबीन्स के ज़रिए जावा की। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाना आपने और न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर लेना अपना। न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। पहले इसकी कैटेगरीज डिसाइड करनी है। मैं जावा विद मैवन ही सिलेक्ट करता हूँ, और जावा एप्लीकेशन के अंदर ही करेंगे हम। और नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाके प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लेते हैं। मैं जावा मैवन प्रोजेक्ट 8 इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा, और इसी को रख देते हैं और फिनिश करते हैं। तो कुछ ही टाइम में आपकी जो पैकेज है वो तैयार हो गया, आपका एक पैकेज तैयार हो गया, एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया। उसके अंदर दो तीन फोल्डर बन गए, आप देखें सोर्स पैकेज है, ये मेरा भी फोल्डर बना है मैवन प्रोजेक्ट 8। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर फोल्डर है, एक सोर्स पैकेज है, डिपेंडेंसीज है, जावा डिपेंडेंसीज है, प्रोजेक्ट फाइल है। तो मैं सोर्स पैकेज पर क्लिक करके न्यू में जाके जे फ्रेम तैयार करता हूँ। जे फ्रेम में इसका आप कोई भी नाम रख लीजिए, मैं इसका नाम रखता हूँ माई फर्स्ट GUI एप्लीकेशन। तो फर्स्टली आपका रेडी हो गया है जावा का फ्रेम। एक बार इसको चेक कर लेते हैं रन करके। रन करने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रन फाइल करेंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही वर्क कर भी रहा है या नहीं। कुछ टाइम आप वेट करोगे इसके लिए। परसेंट रन हो गया, और देख रहे हो ये स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका जावा का फ्रेम है वो रेडी हो गया। इस पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने इस पर कुछ भी डिज़ाइन किया नहीं है। हमारा आज का टारगेट है, इसके ऊपर हम दो टेस्ट फील्ड लगाएंगे, और फर्स्ट टेस्ट फील्ड में वैल्यू एंटर करेंगे, सेकेंड में एंटर करेंगे, और एक बटन लगाएंगे, उस पर क्लिक करने पर दोनों का सम प्रिंट हो जाए। दिस इज़ आर टूडेज टारगेट टू डू। आगे आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, सम करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं सिंपल बना रहा हूँ कि आपने दो वैल्यूज़ एंटर की और सम पे क्लिक किया और उनका सम डिस्प्ले हो जाए। फर्दर आप इस पर और भी काम कर सकते हैं। तो ये अपना फ्रेम रेडी है, इसके ऊपर हमने कुछ फील्ड लगाने हैं, टेस्ट फील्ड और लेबल्स। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक लेबल लगा देता हूँ, और यहाँ पर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इस साइड आपको एक पैलेट खुल के आ गया, उस पर सारे जे फ्रेम्स के जितने भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। सबसे पहले जे फील्ड 1 लेबल लगाया हमने, लेबल के ऊपर लिखेंगे हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाती हैं यहाँ पे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक टेस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें लिखा हुआ है जे फील्ड लेबल 1। तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो ये चेंज हो गया। ध्यान रखिए इसका नाम अभी भी जे लेबल 1 ही है, इसके ऊपर डिस्प्ले करवा दिया हमने एंटर फर्स्ट वैल्यू, बट इसका नाम जे लेबल 1 है। तो यू विल सी, तो अब इसमें वैल्यू एंटर करने के लिए हमें टेस्ट फील्ड चाहिए। टेस्ट फील्ड आप यहां से टेस्ट फील्ड ले सकते हैं, ये टेस्ट फील्ड है, और यहां पे इसके सामने लगाते हैं टेस्ट फील्ड। इसमें फ़िलहाल हमने कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखा है जे टेस्ट फील्ड 1, और हमने इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना चाहते, हम इसको ब्लैंक देना चाहते हैं। तो इसको आप एक बार यहाँ से ब्लैंक कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई भी वैल्यू हम नहीं चाहते हैं, कि यूज़र एंटर करेगा तभी डिस्प्ले होगी। तो सिमिलरली हमें एक और लेबल चाहिए, और दूसरा लेबल आप यहाँ पे लगा दीजिए, और इसमें भी आप टेस्ट में लिख दीजिए एंटर सेकंड वैल्यू। यहाँ पे आप लिख दीजिए एंटर सेकंड वैल्यू, और इसके लिए आपको टेस्ट फील्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे इसका
लगा दीजिए, और इस पे भी आपने ब्लैंक कर देना इसको, और इसका भी साइज आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद आपने एक बटन लगाना है जिस पे क्लिक करने के दोनों का सम प्रिंट हो जाए। तो बटन यहाँ पे आपने एक बटन लगा दिया, इस पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हम लिख देते हैं सम। बटन पे क्लिक करने पे हमारे पास समथिंग हैपन रॉन्ग, इस पे सम नहीं लिखना था, हमने गलत हो गया। डिलीट करता हूँ बटन को, एक बार दोबारा से लगाते हैं हम। बटन यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया हमने, और इसका टेस्ट चेंज करना है, हमने टेस्ट ये लिखा हुआ है और इस पे लिखना है सम। तो ये बटन आपने लिख दिया सम। तो बटन पे क्लिक करने पे जो वैल्यू हम यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट फील्ड में एंटर करेंगे और सेकंड में करेंगे, दोनों का सम इस बटन पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे डिस्प्ले हो वो लिख देते हैं हम। यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं, यहाँ पे वो दोनों का सम प्रिंट हो जाए, जे लेबल 3 पे जो है दोनों का सम प्रिंट हो जाए। हम यहाँ पे लिख देते हैं द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर। जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो दोनों का जो सम है इस टेस्ट फील्ड में डिस्प्ले हो जाएगा, ये जो लेबल है अपना लेबल 3। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट फील्ड 1 है, जे टेस्ट फील्ड 1, जे टेस्ट फील्ड 2 है, और ये हमारा बटन है, और ये हमारा जे लेबल 3 है। एक बार इनको रन करके चेक कर लेते हैं कि अपना जो फ्रंट एंड है वो रेडी हुआ या नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और रन फाइल करेंगे आप। थोड़ा टाइम वेट करना होता है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद। देख रहे हो अपना फ्रंट एंड बिल्कुल रेडी है, इसको विंडो को अभी छोटी विंडो के हिसाब से तैयार हुआ है, जब मैक्सिमाइज करते हैं तो व्यू सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं 5, यहाँ पे 6, और सम पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, बिकॉज हमने कभी कोई अभी रिजल्ट सेट किया ही नहीं है, इसकी बैक पे कोडिंग नहीं की है हमने, केवल हमने फ्रंट एंड तैयार किया है। बैक एंड में कोडिंग करनी है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो जो 5 और 6 का प्लस होके यहाँ पे जब रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर की जगह पे डिस्प्ले हो जाए। तो हाउ टू डू दैट, तो इसके लिए हमने बैक कोडिंग करनी है। अब हमारा टारगेट क्या है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो इस पे क्लिक करने के बाद हो इस बटन पे, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इवेंट पे जाके एक्शन एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करना है, तो आप कोडिंग में आ गए हैं। तो मतलब उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पे कोड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना टू डू एड योर हैडिंग कोड हेयर, तो यहाँ पे आपने जो भी हैडिंग कोड है, कोड का हैडिंग है वो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होता, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है कोडिंग की। तो फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो हम कोडिंग करनी है यहाँ पे, मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ फ्लोट डेटा टाइप के। फ्लोट डेटा टाइप होती है जिसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करते हैं विद पॉइंट्स, जैसे 9.6, 9.8, ऐसी वैल्यूज जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, वो डेटा टाइप के 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए बी और सी। ए में हम जो टेस्ट फील्ड 1 में वैल्यू एंटर करेंगे वो ए में सेव करेंगे, जो जे टेस्ट फील्ड 2 में वैल्यू एंटर करेंगे वो बी में सेव करेंगे, और सी में दोनों का सम हम स्टोर करेंगे। तो 3 वेरिएबल मैंने ले लिए हैं, ए बी और सी, तीनों फ्लोट डेटा टाइप के। तो ए में हमने क्या करना है, जो टेस्ट फील्ड 1 जो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो ए में स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू जे टेस्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेस्ट होता है, मतलब वैल्यू गेट करेगी, जो वैल्यू हमने एंटर की है वो टेस्ट एंटर कर गेट करके ए में स्टोर कर दे। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखना आपने। मैंने देखा कि जे स्मॉल और टी कैपिटल और यहाँ पे एफ कैपिटल रखा है, जावा की प्रोग्रामिंग में जो एग्जैक्टली नेम है ऐसे आपने अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैप्स में है तो कैप्स में, एग्जैक्टली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। या HTML की तरह नहीं है कि वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, पर यहाँ पे आपको केस का भी ध्यान रखना था, कैपिटल स्मॉल का भी। लेकिन यहाँ पे अभी एरर आ रही है, बिकॉज एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जो जे टेस्ट फील्ड 1 में आप वैल्यू एंटर कर रहे हो वो टेक्स्ट में एंटर होती है, चाहे बेशक आप उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी एंटर कर रहे हैं, बट दैट इज कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट। बट अपना ए है जो, दैट इज अ फ्लोट डेटा टाइप, तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरी डेटा टाइप फ्लोट है, अभी मैं टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ए का ये कहना है, दैट्स वाई इट इज़ अ एरर। तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट रिसीव कर रहे हैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके ए को देंगे, ताकि जो ए उसको रिसीव कर पाए। ए अभी डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है केवल फ्लोट की,
और जो टेक्स्ट फील्ड है दैट इज गेटिंग द वैल्यू एज अ टेक्स्ट। तो हमारा क्या टारगेट है कि इसको कन्वर्ट करके फ्लोट में तब ए को प्रोवाइड करेंगे तो ए एक्सेप्ट कर लेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। अब ये कन्वर्ट कर देगा, किसको कन्वर्ट करेगा, जे टेस्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। तो एंड में सेमी कॉलन ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो आपका जे टेस्ट फील्ड में टेस्ट वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके ए में स्टोर हो जाएगी। अब ए में कोई एरर नहीं है, इट्स एक्सेप्टिंग। तो सिमिलरली बी के लिए हम तैयार करेंगे, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और ए की जगह बी कर देंगे, और जहाँ पे टेस्ट फील्ड टू की वैल्यू हम बी में स्टोर करेंगे। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया, ए की वैल्यू हमने ले ली और बी की वैल्यू ले ली, और उसके बाद सी में हम दोनों का सम कर देंगे, ए और बी का। सी भी एक ऑलरेडी फ्लोट वेरिएबल है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए भी हमारे पास वैल्यू फ्लोट में और बी में भी, और सी में दोनों का सम प्रिंट कर देना है। अब सम देखो, जब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं ये एक्शन परफॉर्म हो गया कि ए को वैल्यू मिल गया, बी को मिल गया और सी को मिल गया। अब हमने उसको डिस्प्ले भी करना है, सी को प्लस कर दिया, सी की जो वैल्यू वो डिस्प्ले करवानी है। कहाँ पे करवानी है, यहाँ पे जो हमने ये जे लेबल थ्री किया इसका सेट टेक्स्ट करना। मतलब अभी जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर, ये इसका सेट टेक्स्ट है। मतलब ये चेंज करना है जब हम इस बटन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करने के बाद ये चेंज हो जाए। चेंज होके कौन सा आ जाए इसकी जगह पे, जो सी की वैल्यू है, जो भी हमने सोर्स में सी की वैल्यू लिखी हुई है दैट शुड बी डिस्प्लेड हेयर। तो इसका नाम क्या था भाई, जे लेबल थ्री डॉट सेट टेस्ट। सेट टेस्ट और गेट टेस्ट, गेट टेस्ट मतलब गेट कर रहे हैं टेस्ट, सेट कर रहे हैं यहाँ पे सेट कर रहे हैं, वहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं जो ए में सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू सीधी पुश कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं लेबल थ्री की जगह पे। तो ये भी वैल्यू स्ट्रिंग में ही लेता है, तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू फ्लोट है, तो हमें यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाना है। आई एम रिपीटिंग कि जो लेबल में वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं वो स्ट्रिंग में ही होती हैं, और सी की वैल्यू जो है दैट इज़ इन अ फ्लोट। तो हमें फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। थोड़े से झंझट जरूर हैं जावा में, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी आपको। कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपली है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग लिखते हैं डॉट स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू क्या है ये आपको पता ही है, सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और हमारा ये कोड है रेडी हो गया। और अब इसको रन करके देखेंगे हम, रन फाइल। थोड़ा ये स्क्रीन में आ गया, कोड कर दिया हमने बैक पे, और 5 एंटर किया मैंने यहाँ पे, और 15 एंटर किया यहाँ पे, और सम कर रहे हैं तो 20 प्रिंट हो गया। बिल्कुल सही, यहाँ पे रिजल्ट 20 डिस्प्ले हो गया। प्रोग्राम को आप दोबारा से रन करते हैं, फाइल पे रन करके रन फाइल करेंगे। तो मैं कुछ भी अभी वैल्यू एंटर करनी ज़रूरी है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 5 और यहाँ पे 8, और जब कन्वर्ट करेंगे तो 13। तो सही चल रहा है प्रोग्राम। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, समझ गए हैं कि कैसे आप सिंपल GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वेल, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी प्रेजेंस ज़रूर शो कीजिए कि आपने इसको वॉच किया और समझा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।